हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या थी ये साजिश? क्या नरेंद्र वालिया का चल बसना एक नेचुरल मौत थी या कत्ल? और ऐसी भी क्या जल्दी थी कि उसके छोटे भाई को खबर किए बिना नरेंद्र का दाह संस्कार कर दिया गया? शक का बीज बो दिया गया था और अब सवालों के पेड़ खड़े होने लगे थे, पर तहकीकात के लिए नरेंद्र का शव तो नहीं था। क्या ये नवजोत वालिया अपनी शिकायत ऑफिशियली दर्ज कराने को तैयार है? सर, वो हमें पेरिस से एक लेटर फैक्स करने वाली है जिसमें सतवंत वालिया का बताया हुआ पूरा वाकया लिखकर भेजेंगे। मौत एक हफ्ते पहले हो चुकी है, लाश का क्रिमेशन भी हो चुका है। अगर वाकई इस पेरिस वाली नवजोत वालिया की बात में कोई वजन है तो सस्पेक्ट्स भी कई होंगे। सतवंत का भाई है मंजीत संधू और उसके फादर हैं लखवीर संधू, और खुद सतवंत भी सस्पेक्ट है क्योंकि उसी ने क्रिमेशन की परमिशन दी थी, और वो भी पेरिस में रह रहे नरेंद्र वालिया के छोटे भाई सरबजीत वालिया को इन्फॉर्म किए बिना। तुम इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, मगर जरा संभाल के, टटोल टटोल कर, क्योंकि हम इन लोगों को ऐसे ही नहीं उठा सकते और नहीं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते, क्योंकि अगर साजिश हुई है तो इन सब के पास सबूत होंगे ये कहने के लिए कि जब डेथ हुई तो हम लोग वहां थे ही नहीं। सर, नवजोत वालिया के पास कोई ठोस सबूत नहीं, उन्हें सिर्फ शक। शक का मतलब 50-50 का मामला होता है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये वेल प्लान्ड मर्डर हुआ है या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमारे पास ना तो कोई FIR दर्ज है ना ही कोई फॉर्मल शिकायत, सिर्फ इतना है कि किसी को शक है कि शायद नरेंद्र वालिया की डेथ नेचुरल नहीं थी, इसलिए हम खबरी नेटवर्क एक्टिवेट नहीं करेंगे। जी सर, समझ गया। खंगालो इस केस नो, देखो क्या मिलता है, अगर कुछ मिलना हुआ तो। और इस तरह शुरू हुई एक दबी सी पुलिस इन्वेस्टिगेशन। यह आम इन्वेस्टिगेशन से अलग थी। इस केस में यह पता लगाना था कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। यह भी कहा जा सकता है कि यह इंफॉर्मेशन खोद कर निकालनी थी कि हुआ क्या था 27 अगस्त की रात को। एक मौत की तहकीकात हो रही थी यह जानने के लिए कि क्या वो मौत कुदरती थी या फिर कत्ल। ला भाई, एक चाप ला दे बढ़िया सी। दो मिनट भाई साहब, अभी चढ़ाता हूँ। तो जी भाई साहब। हाँ जी। तो भाई, बहुत बुरा लगा सुन के। क्या? यही कि कोई लखवीर संधू है, उसके बेटे की शादी के एक दिन पहले उसका दामाद गुजर गया। हाँ भाई, ये होती है कमीनी तकदीर। सही कह रहे हो भाई साहब। अब देखो ना, पेरिस से था ये नरेंद्र वालिया, और कोई होटल शोटल भी है उसका वहाँ पे। अब बताओ, साले के ब्याह वास्ते आया और खुद ही चल बस। मैंने तो ये भी सुना कि दूसरे दिन साले साहब की शादी भी हो गई। भाई, ये मुझे बहुत अजीब लगा। अजी, यही बात तो पूरा गांव फुसफुस आ रहा है जी। अब ये कोई बात होती है? मतलब एक दिन घर में दामाद मरता है और अगले दिन बेटे का ब्याह कराया जाता है। तो लड़की वालों ने कोई एतराज नहीं जताया जी? वो बेचारे क्या करते जी, अब इतना सारा पैसा जो लगा था शादी की तैयारी में। अच्छा जी, अभी आपने बताया कि इस नरेंद्र का पेरिस में कोई होटल शटल भी है। ये बहुत बड़ी पार्टी थी भाई साहब, तभी तो लखवीर ने अपनी लड़की दे दी उसको, वरना कौन देता। क्यों जी, इस नरेंद्र में कुछ खराबी शराबी थी क्या? उम्र भाई साहब, उम्र। अब सोचो, ये नरेंद्र सतवंत का पति, सतवंत के बाप लखवीर से भी बड़ा था उम्र में, यानी कि दामाद ससुर से भी बड़ा। ओ तेरी, वो ये क्या गल हुई जी? पैसों की असलियत भाई साहब, पैसों की असलियत। कितने बजेंगे? यही कोई 4-4:30 बजे। ठीक है, जब फैमिली आएगी तो सारी डिटेल्स ले लेंगे। सारी डिटेल तुसी म्युनिसिपैलिटी भेज दोगे ना? जी। और वहाँ दे डॉक्टर दा पर्चा भी लगूगा। हाँ, वो तो जरूरी है, उसके बिना तो आग दे ही नहीं सकते ना। जी, मान लो कुछ हुआ के कोई ना ले सका डॉक्टर दा सर्टिफिकेट, तो कुछ ना कुछ करके कुछ एडजस्ट तो हो ही सकता है ना। भाई, तुसी मरवाओगे क्या? ना जी ना, वो मैं अपनी गल नहीं कर रहा था, वो तो ऐसे ही मैंने कुछ सुना था। क्या सुना था? यही कि मंतारपुर के जो लखवीर संधू जी हैं, उनके दामाद नरेंद्र वालिया का अंतिम संस्कार बड़ी जल्दी कर दिया गया है, और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं था उनके पास। आप भी ना भाई साहब, कुछ भी सुन लेते हो मान लेते हो। पहली बात, नरेंद्र वालिया का दाह संस्कार यहाँ हुआ ही नहीं। इसका मतलब इस इलाके में कोई और शमशान घाट भी है? ना जी ना, एक ही है मिलो तक, लेकिन वो लोग शमशान गए ही कहाँ, खुले मैदान में ही कर दिया। ऐसे ही कर दिया, चुपचाप? चुपचाप कर दिया या चुपके से कर दिया, ये तो वो लोग ही जाने। पर मैंने इतना पता है कि यहाँ पर ये सब नहीं हुआ है, और मैंने ये भी सुना है कि ना ही सर्टिफिकेट ली गई है और ना ही पंचायत से कोई कागज पत्र। चार लोग गए और अंतिम संस्कार कर दिया, और दूसरे ही दिन लखवीर ने मंजीते का ब्याह कर दिया। बोलो जी, ऐसे कभी सुना है आपने? इसका मतलब कुछ तो गलत हुआ है। पता है मैनू की लगता है? दसो। जिस घर में शादी हो रही थी, उस शादी की दाल में कुछ काला है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या, देखना एक न एक दिन ये बात जरूर निकलेगी, बड़ी दूर तक जाएगी।
सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल पुत्र, कैसी है तू? बस हूँ पापा जी। हिम्मत रख, देख हरप्रीत को तेरी जरूरत है। उसके लिए इतना आसान नहीं है पापा जी। नरेंद्र के मौत के सदमे से निकल तो रही है, मगर धीरे धीरे। सरबजीत का क्या हाल है? वो भी सदमे में, वक्त तो लगेगा ना पापा जी। असलियत इतनी जल्दी हजम नहीं होती। कौन सी असलियत नवजोत? पैसों की असलियत सरबजीत, पैसों की। दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें किस तरह से सतवंत नरेंद्र भाई साहब की हर एक चीज अपने नाम पर किए जा रही है? हाँ तो उनकी पत्नी है, हरप्रीत की माँ है, वो अपने नाम पे नहीं करेगी तो किसके नाम पे करेगी? मुझे सतवंत का बर्ताव उन औरतों जैसा नहीं लगता कि शौहर अचानक से गुजर गए हो। कुछ तो अजीब हो रहा है, मानो जैसे सतवंत पहले से जानती थी कि नरेंद्र भाई साहब जाने वाले हैं। काफी कुछ अटपटा है सर। हाँ जी सर, बंदे की लाश तक क्रियाक्रम नहीं बल्कि उसमें तो ठिकाने लगाया गया है, और वो भी जल्दबाजी। और सर मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर भी बातें चल रही। मतलब साजिश हो सकती है। सर ये जो संधू परिवार है इसमें भी कुछ तो अजीब सा है। जैसे के? जैसे कि वो घर जिथे लखवीर थे, मंजीत रहने ने। बड़े दिल वाले थे जी नरेंद्र वालिया जी, सबसे गप्पे लगाते रहते। उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि इतने बड़े आदमी थे, बड़े खुश मिजाज थे। अच्छा जी, सुना है काफी सालों बाद लौटे थे। वैसे उनकी तरफ वालों का घर भी यही है ना, इसी गांव में? नहीं जी, उनका एक भाई है, वो भी उन्हीं की तरह फोरन में रहता है। नरेंद्र जी इस गांव के दामाद थे, उनकी पहली बीवी भी इसी गांव से थी। पहली बीवी? कमल नाम था उसका, बेचारी 15 साल पहले गुजर गई। उसके बाद नरेंद्र ने दूसरी शादी कर ली सतवंत के साथ, सारे गांव के होश उड़ गए। क्यों जी? भाई साहब, सतवंत इस गांव की सबसे खूबसूरत कुड़ी थी, दूसरे गांव के लड़कों में उसके चर्चे होते थे, लेकिन उसने नरेंद्र से शादी को हाँ कह दी। पति खुद के बाप से भी बड़ा, ऐसा इस गांव में पहले कभी नहीं हुआ था। सीधा हिसाब था भाई साहब, रिश्ता आदमी से नहीं उसके पैसों से किया गया। लखबीर को पता था कि नरेंद्र फॉरेन में सेटल है, सबको पता था कि नरेंद्र बहुत मालदार है, घूम फिर कर लड़कों में यही तो देखा जाता है। पैसे हो तो नाक टेढ़ी हो या नीयत, सब चल जाता है। यह गल भी सही है। वैसे देखा जाए तो लखबीर ने एक तीर से 2 शिकार किए थे। वो कैसे जी? नरेंद्र से रिश्ता करा के एक तो अपनी बेटी सतवंत को पेरिस भेज दिया, और दूसरे यहाँ पहले कैसे टूटे फूटे घर में रहता था, अब देखो इतनी बढ़िया कोठी मिली है। सर ये कोठी जिथे लखवीर थे, मंजीत रहते ने, दरअसल ये कोठी उनकी नहीं है, ये कोठी तो नरेंद्र ने खरीदी थी। ये दोनों वहां सिर्फ रहते थे देखभाल के लिए, और ये रहे उस कोठी के कागजात। जी जी सर, वो मंतारपुर वाली कोठी ना, वो तो नरेंद्र वालिया जी की है, बेचारे रहे नहीं। और कागजात किसके नाम पर है? देखिए कोठी तो थी प्रकाश सिंह की, फिर नरेंद्र वालिया ने प्रकाश सिंह से इस कोठी को खरीद लिया, और जब नरेंद्र वालिया की सतवंत संधू से शादी हुई तो ऑटोमेटिकली सतवंत संधू का नाम भी इस डॉक्यूमेंट्स में आ गया। फिर 2 साल पहले नरेंद्र और सतवंत वालिया ने पूरी की पूरी कोठी सतवंत के फादर लखबीर संधू के नाम कर दी। सर जल्द से जल्द मुझे घर के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भिजवा दीजिए। जी बिल्कुल। और सुनिए चुपचाप। तो 2 साल पहले ये कोठी लखबीर के नाम हो चुकी थी, तो फिर वो नरेंद्र वालिया को क्यों मारेगा? कोठी तो पहले ही उसके नाम हो चुकी थी। और सर ये सतवंत भी क्यों मारेगी? पेरिस में नरेंद्र का जो कुछ भी है वो सतवंत का भी तो था। सर जी इन दोनों के अलावा कोई तीसरा चक्कर भी हो सकता है, या फिर चौथा। सर जिस तरह से बॉडी का अंतिम संस्कार शमशान में ना करके मैदान में किया गया जल्दबाजी में, और वो भी बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, उससे तो ऐसे ही लगता है कि कुछ ना कुछ अटपटा तो जरूर हुआ है। एक गलत पक्की है ना कि नरेंद्र वालिया की मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी? पता लगाने की कोशिश की थी मैंने सर, लगता तो हार्ट अटैक ही है। उस घर में एक नौकरानी थी निम्मो, मैंने उसे बात की। किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने के लिए मना किया था ना, फिर तुमने उस निम्मो को यहाँ पूछताछ के लिए क्यों बुलाया? सर जी बुलाना ही पड़ा, अगर मैं कोठी पे जाता तो बेकार में उन सबके कान खड़े हो जाते। मैंने पता किया था निम्मो अब उस कोठी में काम नहीं करती। जी नहीं साहब जी, मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मैंने कुछ देखा और ना सुना। हमें मालूम है कि तूने कुछ नहीं किया, तू तो मैं शादी के काम में सिर्फ हाथ बटा रही थी। चल अब बता क्या देखा था तूने? वो साहब को वैसे देखकर मैं
बहुत डर गई थी। सब लोग बहुत डरे हुए थे साहब जी। उससे एक रात पहले सतवंत दीदी ने सबको खूब डांट दिया था। क्यों? नरेंद्र भाई साहब को शराब पीने से मना कर रही थी, फिर भी बाकी सब उन्हें पिला रहे थे। अच्छा, जब तू सुबह उनके कमरे में चाय लेकर गई, तुझे पक्का पता है कि वो सो रहे थे, मरे नहीं थे? कोई आंखें मूंद कर लेटा हो और सुबह का वक्त हो तो यही लगेगा ना कि सो रहा है। हम जब चाय लेकर जाते हैं तब ये थोड़ी ना सोचते हैं कि बंदा सो रहा है या मर गया। उस रात को उस कमरे में और कौन कौन था निमो? मुझे कुछ नहीं पता। मैं रोज की तरह अपना काम निपटाकर रात को घर चली गई थी और जब सुबह चाय लेकर कमरे में गई तो नरेंद्र भाई साहब अकेले पड़े हुए थे। किसका कमरा था वो? लखबीर साहब का कमरा था, जहाँ कभी कभी अर्जुन भैया भी रुकते थे। अर्जुन? कौन है ये अर्जुन? मंजीत साहब के दोस्त है कोई, पर मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती उनके बारे में। अर्जुन? जी हाँ सर, इस अर्जुन का तो पता लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है ये उस रात उस घर में हो, लेकिन पेरिस से हमें नवजोत वालिया ने जो लेटर फैक्स किया है उसमें किसी अर्जुन का जिक्र नहीं। तो क्या ये अर्जुन उस वक्त घर में मौजूद था जिस वक्त नरेंद्र वालिया की डेथ हुई? ये घर का तो कोई हो नहीं सकता, अगर होता तो नवजोत इसका जिक्र जरूर करती। साजिश और शक दोनों अभी हाँ और ना की धुंध में उजल थे। कुछ सुराग थे जो इशारा कर रहे थे कि शक करना जायज है, लाजमी है, लेकिन किसी गहरी साजिश का, किसी कत्ल का अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया था। अब यह जरूरी था कि पुलिस इस बात को लेकर आर या पार हो जाए कि क्या यह मर्डर केस है या नहीं। पेरिस भैया बहुत ही खुशमिजाज थे, मतलब नरेंद्र भैया, उनको हमारा पान इतना मजेदार लगा, एक बार जो खाए बार बार लौट के आए। वाह, मजा आ गया भाई। इन अर्जुन साहब के लिए भी एक अच्छा सा पान बनाओ। जी नहीं, शुक्रिया, मैं ये पान मन कुछ नहीं खाता हूँ। अच्छी चीज़ों की कदर ही नहीं है नौजवानों को। खैर छोड़ो परे भाई, चरण तीन पान बना के ना पैक कर दो, सफर में तलब लगी तो चबा लेंगे। ईका पेरिस भैया, कहाँ की तैयारी है? पेरिस भैया कुछ दिनों के लिए पंजाबी मुंडा बनने के मूड में है, सोच रहा हूँ थोड़ा आप घूम झूम ले। घर में शादी और आप चले घूमने? ओए चरण, पूरा एक हफ्ता बाकी है और वैसे भी शादी वाले घर में मेरे लिए कोई काम तो है नहीं, थोड़ा घूम लेते हैं और पान की तरह हर दिन के मजे लेने चाहिए। एकदम सही है फरमाया भैया। तो शादी के एक हफ्ते पहले नरेंद्र भाई साहब पंजाब दर्शन वास्ते निकल पड़े। हमको जान के बहुत दुख हुआ कि नरेंद्र भैया का देहांत हो गया। कुछ तबीयत खराब हुआ था क्या उनका? कोई परिवार वाला साथ में गया था? ना ना, अर्जुन भैया उनका परिवार वाला नहीं ना है, वो तो मंजीत भाई साहब के फ्रेंड है। अच्छा, अर्जुन भैया आए थे शादी में शरीक होने के लिए, नरेंद्र भैया उनको साथ में ले गए घूमने, बाद में ये सब लोग सतह में रह रहे थे। अच्छा अच्छा, ये अर्जुन भी उसी घर में रह रहा था? हाँ हाँ। तब तो जब नरेंद्र भाई साहब गुजर गए ये अर्जुन भी वहीं था शायद। रात को वहाँ काका हुआ, कौन कौन साथ में था नहीं था इसके बारे में हम नहीं ना बता पाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है भैया कि अर्जुन भैया से नरेंद्र भैया की बहुत अच्छी जम गई थी, दोस्ती हो गई थी। भाई चरण, मेरी बीवी मुझे अकेले घूमने जाने दे नहीं रही थी, वो तो पला अर्जुन का फरिश्ते की तरह अटप का। वैसे एक बात तो है, अगर हम सफ़र टांग का हो ना तो टाइम बड़े अच्छे से पास हो जाता है, और सिक्योरिटी की सिक्योरिटी पुलिस वाला बंदा कांस्टेबल अर्जुन गिल। अब औकात चाहिए पेरिस भैया, पूरा मस्ती मार कर आइए। चले अर्जुन, बस हुकुम दीजिए सर जी। पुलिस वाला है ये अर्जुन? हाँ भैया, मंजीत भाई साहब का खास दोस्त है। अब देख लो बेचारा कहाँ फंस गया, एक तो नरेंद्र भैया को ले गया सैर कराने, बाद में फिर उसी ने सब क्रियाक्रम करवाया। वो शरीक हुआ था क्रियाक्रम में? लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हमने सुना है कि नानकपुर थाने में ड्यूटी होती है उनकी। कब तक लौटेगा ये कांस्टेबल अर्जुन गिल? कोई भरोसा नहीं, हाजिरी लगाई और निकल गया किसी पर्सनल काम से, आदत है उसको। क्या हुआ इंस्पेक्टर? मंतारपुर में 28 अगस्त को एक डेथ हुई थी नरेंद्र वालिया की। हमें पता चला है कि जब उनकी डेथ हुई अपना ये कांस्टेबल अर्जुन गिल ये भी वहाँ मौजूद था। अगस्त महीने में अर्जुन गिल ने काफी छुट्टियां ली थी, उसके किसी दोस्त की शादी थी मंतारपुर में, मैंने थोड़ी गर्मी दिखाई, छुट्टियां कैंसिल कर दी, तो हाजिरी लगाता और निकल जाता। बड़ा टीठ बंदा। छुट्टी ली तो ली, बीच में चार दिन के गायब हो गया, फोन वोन सब बंद, पीछे से पता चला किसी को घुमाने ले गया था, कोई एनआरआई पार्टी थी।
किशोर, मुझे इस कांस्टेबल अर्जुन गिल का अटेंडेंस रजिस्टर भिजवा सकते हो? जी, अभी भिजवाता हूँ। निकल हो। इस कांस्टेबल अर्जुन गिल को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। जी, समझ गए। मुझे इस कांस्टेबल अर्जुन गिल का इस तरह बार बार छुट्टियां लेना और हाजिरी लगाकर गायब होना, ये सब बातें इतनी नहीं खटक रही जितनी ये बात खटक रही है कि जिस वक्त नरेंद्र वालिया का गैर कानूनी तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा था और ये कांस्टेबल अर्जुन गिल वहां मौजूद था, तो इसने उस अंतिम संस्कार को रोका क्यों नहीं? सर, हो सकता है ये कांस्टेबल अर्जुन इस साजिश का हिस्सा हो। बिल्कुल हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि यह साजिश बहुत पहले रची गई हो। सोच रहा था पंजाब घूम लेता हूँ। अकेले घूमने जाएंगे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। अगर वो तेरा दोस्त अर्जुन हवलदार आ रहा है इनके साथ में जाने के लिए, तो तुम एक तरफ से हाँ है। आप बस कमांड कीजिए, कहाँ घूमना है, क्या देखना है, सब हो जाएगा जी। शायद तब रची गई सर, जब नरेंद्र वालिया ने पंजाब घूमने का प्लान बना लिया, या शायद उससे भी पहले, इनफैक्ट काफी पहले। और ये भी पॉसिबल है कि नरेंद्र वालिया को पेरिस से मंतारपुर इस साजिश के तहत बुलाया गया। पूरे 3 महीने पहले बुकिंग कर रहा हूँ आपकी और जीजा जी की। मैं नरेंद्र जी को फोन करके बात कर लूंगा। तुसी ना मैनू भेज दोगे पहले, और कोई बहाना बनाओगे और फिर आओगे ही नहीं। और तुसी बेफिक्र होकर जाओ। साजिश अगर इतनी गहरी थी तो इस साजिश के पंजों के निशान भी हमें जरूर मिलेंगे। पहले हम उन पर फोकस करेंगे और फिर इस साजिश के हर एक खिलाड़ी पर। कुछ पता चला आपको? हाँ जी नवजोत जी, कुछ कुछ पता तो चला है। कत्ल हुआ था ना मेरे जेठ जी का? ये पॉसिबिलिटी तो है। पता था मैनू पता था ये। लेकिन नवजोत जी, अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, अभी तो सिर्फ ऊपर की धूल छाटी है। असली इन्वेस्टिगेशन तो अभी शुरू ही नहीं की। तो प्लीज कीजिए ना। उसके लिए हमें एक फॉर्मल कंप्लेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप खुद यहाँ आकर कंप्लेंट दर्ज करवाएं तो हम तुरंत एक्शन ले सकते हैं। क्या आप इंडिया आ सकती हैं? मैं आऊंगी। नरेंद्र भाई साहब बड़े ही दिल वाले इंसान थे, बहुत भले थे। आप बताइए कब आना है मुझे। तो मिसेज नवजोत वालिया का शक बेबुनियाद नहीं था उजा? बिल्कुल नहीं सर। सर, इस बात में आप कोई शक नहीं है कि साजिश हुई थी, पक्का साजिश हुई है सर। आहूजा ना, तुम्हारे पास लाश है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बड़ी ही चालाकी से तुम्हें इन सारे सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट करना होगा। इस साजिश को खोद निकालने के लिए तुम्हें खुद साजिश करनी पड़ेगी। क्या पता चला उन्हें? मैनू नहीं पता जी, उन्होंने मैनू कहा कि उन्हें एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करनी है जिस वास्ते मैनू वहां जाना पड़ेगा। तो मैंने परसों की टिकट करा दी है जी। अब नरेंद्र भाई साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। किस पर शक है आप लोगों को? नवजोत जी, हमें सिर्फ शक ही नहीं, हमारे पास ठोस कारण है जिसकी वजह से यह कत्ल हुआ। उस घर में कुछ तो ऐसा हो रहा था जिससे आपके जेठ नरेंद्र वालिया बिल्कुल अनजान थे। अब हम सभी सस्पेक्ट से अलग अलग पूछताछ करेंगे। हमारे पास जो सुराग हैं, सबूत हैं, वो हमारे हथियार हैं। देखते हैं कौन सिर्फ चिल्लाता है और कौन सच उगलता है। क्या अंजाम दी गई साजिश की अस्थियां उसी साजिश को नाकाम करने जा रही थी? खुलासा तो होना ही था, क्योंकि परफेक्ट क्राइम एक भ्रम है, मिथ्या है। गलतफहमी थी जुर्म करने वाले मुजरिमों के मन में, जो अपने जुर्म को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे इस उम्मीद में कि उनके जुर्म पर रोशनी कभी ना पड़े। इस केस में साजिश करके सबसे बड़े जुर्म को अंजाम दिया गया था, और वो था मर्डर। नरेंद्र वालिया की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। लखवीर संधु। हाँ जी। तुम्हारा बेटा मंजीत कहाँ है? जी, अंदर है। क्या बात है सर? बात क्या है, आप कुछ बताएंगे? कुछ क्यों, सब कुछ बताएंगे। गल की है साहब जी? गलतम बहुत सीरियस है, जिसे कहते हैं संगीन, पर ऐसी बातें यहाँ तो नहीं कर सकते ना।
तो चले, ले चलो इन दोनों को। मेरी गल तो सुनो सर। सर सर गल की है, मैंने दसो तो सही सर हुआ क्या है। सर मैंने एक बार तो बताइए हुआ क्या है, इन्होंने क्या किया सर, आप क्यों लेके जा रहे सर इन्हें, सर बताइए तो सही सर। अर्जुन गिल सर चल। कहाँ चलना है सर जी? लगता है तूने हद से ज्यादा ही छुट्टियां ले ली अर्जुन गिल, इसलिए तू पुलिस वालों की जबानी भूल चुका है। जब मैंने कहा चल तो इसका मतलब है चल, बिना किसी सवाल के, नहीं तो खाल उधेड़ कर हाथ में दे दूंगा, वो वाला चल, समझा? अब चल। कहां ले जा रहे हैं मुझे सर जी? अब वो भी ऐसे क्रिमिनल की तरह? क्रिमिनल की तरह? अर्जुन गिल तेरे मन में कुछ चल रहा है? कुछ क्राइम किया है तूने? ये कैसा सवाल है सर जी? नरेंद्र जी मेरे दामाद थे, उस रात हम पीने बैठ गए, ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा, और वो बेचारे सहन नहीं कर पाए और चल बसे। संधू साहब तुसी भी सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है नरेंद्र वालिया की डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया बल्कि उनका कत्ल किया गया था। ये कैसी वाहियात गल्ला कर रहे हो सर तुसी? मैं संधू परिवार को बहुत सालों से जानता हूँ जी, मंजीत मेरा खास दोस्त है, लखबीर जी और सतवंत जी को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ लेकिन उनके शौहर नरेंद्र वालिया साहब को मैं उन्हें पहले कभी नहीं मिला सी। गोली नहीं चली? क्या? ना तो गोली चली, ना ही छुरा चला, और ना ही किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया नरेंद्र वालिया के कत्ल में, और ना ही अभी तक कोई हथियार बरामद हुआ, इतना तो हम जानते हैं। ये सब आप क्या कह रहे हैं साहब जी? गला दबाया था उसका, हाथ से या किसी कपड़े से। सीधी तरह से बता दे नरेंद्र वालिया को कैसे मार डाला गया और किसने मारा उसे? मैंने कुछ नहीं पता साहब जी, मैं तो वहां था ही नहीं जिस वक्त नरेंद्र भाई साहब की मौत हुई। मैं तो नानकपुर लौट आया था अपने ड्यूटी देने वास्ते, वहां पर मुझे लखबीर अंकल जी का फोन आया कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर मैं थाना छोड़ के सीधा उनके घर पहुंचा। अर्जुन गिल उसका कत्ल कब किया गया, रात या फिर सुबह सुबह? साहब जी ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानी है, मैंने किसी का कोई कत्ल मतलब नहीं किया है। नरेंद्र वालिया का कत्ल हुआ है, और ये कत्ल तुसी ते तुहाडे पुत्र मनजीत दोवां ने मिलके किया है। ये सब गलत सलत बातें कर रहे हो सर आप, क्यों कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। संधू साहब शुरू शुरू में तो समझ हमारी भी नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में वो जो मुलाजिम तो हमारे महकमे का है लेकिन करीबी आपका बना हुआ था अर्जुन गिल, उसने पिटारे की किले निकाल दी तो सब समझ आ गया। मोटा मोटा माजरा ये है कि आप लोगों ने ये जो साजिश रची किसी दूर बैठे इंसान को कि बू आ गई, और उसने बहुत पहले हमें इसकी शिकायत की थी। आज जो आप यहाँ बैठे हो ना, इसकी तैयारी हमने बहुत पहले से कर रखी थी, इसलिए आज आप यहां हो। हमने कुछ नहीं किया है सर। कुछ नहीं किया? तुम लोगों ने एक बंदे की लाश को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के शमशान की बजाय मैदान में जला दिया, और वो भी जल्दबाजी में, और उसके दूसरे ही दिन शादी में खर्च हुए पैसों का बहाना करके आपने अपने बेटे मंजीत की शादी गुरप्रीत से करवा दी। नरेंद्र वालिया की जब डेथ हुई तो उसके भाई सरबजीत को इन्फॉर्म करना चाहिए था या नहीं? इन्फॉर्म करना तो दूर, उसको कानो कान खबर तक नहीं होने दी। ये सब क्या है? ये सब हमारी फूटी किस्मत है सर, हमने अपना दामाद खोया सर। दामाद खोया लेकिन उसका माल तो नहीं खोया, इसलिए अब ये ड्रामेबाजी बंद करो। हमें पता है कि एक साजिश थी, हम ये भी जानते हैं कि सतवंत और नरेंद्र वालिया को पेरिस से मंतारपुर एक साजिश के तहत बुलाया गया था, और सतवंत इस साजिश में शामिल थे। हम लोग जाएंगे और साथ साथ, मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी। और हम ये भी जानते हैं कि सतवंत ने अपना किरदार बखूबी निभाया। नरेंद्र, नरेंद्र उठिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। सतवंत दीदी, नरेंद्र जीजू का अंतिम संस्कार करना होगा। ये सब झूठ है सर, कोई साजिश वाजिश नहीं है सर। पता नहीं उस अर्जुन ने आपको क्या क्या कह दिया। उसने तो हमें सब कुछ बता दिया संधू साहब, उसने ये भी बताया कि वो भी इस कत्ल की साजिश में शामिल था, सतवंत भी शामिल थे, और ये कत्ल सिर्फ पैसों के लिए नहीं हुआ,
इसमें थोड़ा प्यार भी शामिल है। ये तुसी कैसी गल्ला कर रहे हो सर? सतवंत कौर और अर्जुन गिल दोनों के बीच में संबंध थे। अर्जुन, इस बात को तू बहुत अच्छी तरह से जानता है, ये लॉकअप की इस चार दीवारी में सच कैसे कैसे निकलता है और कैसे कैसे निकाला जाता है। बहुत टाइम वेस्ट कर देता तू, अब सारे पत्ते खोल दे। 1 अगस्त को दिन में 3:30 बजे तेरी सतवंत से फोन पर बात हुई, वो पेरिस में थी और तू यहां नानकपुर में, और दूसरे ही दिन वो इंडिया के लिए रवाना हो गई। अब तू मुझे सीधी तरह से ये बता कि 1 अगस्त को तुम दोनों के बीच बात क्या हुई थी। कल दा टिकट है मेरा। बड़ी बेताबी हो रही तन्नू मिलने दी सब तो। मैनू भी अर्जुन, और इस बार हमारे बीच जो हड्डी है उसे निकालकर हमेशा के लिए फेंक देंगे। तो फिक्र ना कर, हम इस मौके को ना जान देंगे। सतवंत पुत्र, तुसी बस इन्ना करवा दो कि नरेंद्र एक बारी यहाँ पे आ जाए, एक बारी ये हो जाए बस, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मैं उन्हें इंडिया लाकर ही रहूंगी पापा जी, मैं उन्हें अपना प्लान बदलने ही नहीं दूंगी। 3315021 ये सतवंत का नंबर है, जिस नंबर पर तूने बार बार बातें की हैं, और नरेंद्र की मौत के बाद भी इस नंबर पे तू घंटों बात करता आया रोज। सर जी पहचान की है, दोस्त की दीदी, बस हाल चाल पूछने वास्ते कभी कभी फोन कर लिया करता हूँ। सर जी आप भी न जाने कौन सी कहानी लिख रहे हैं। संधू साहब, कांस्टेबल अर्जुन गिल ने हमें सब कुछ बता दिया और हमने भी सबूत इकट्ठे किए। उसने हमसे कहा कि वो कत्ल की साजिश में शामिल तो था, उसे इतना तो पता था कि कत्ल कब होना है, लेकिन जिस वक्त कत्ल हुआ वो वहां मौजूद नहीं था। उस वक्त कमरे में 3 लोग मौजूद थे, आप, तुहाडा पुत्र मनजीत और तुहाडी पुत्री नरेंद्र वालिया की वाइफ और अर्जुन गिल की प्रेमिका सतवंत कौर। अब इस पूरे केस में से अगर सबसे कम किसी को सजा होगी तो वो है अर्जुन गिल, और अगर कोई फंसेगा तो वो है तुहाडा पुत्र मनजीत। सर मनजीत को ना फंसाओ सर, सर उसको तो बेचारे को कुछ भी नहीं पता था। तो इस साजिश की सच्चाई क्या है, एक बार आपसे भी सुन लेते हैं, लेकिन कल याद रखना, सच बोलने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सब चंगा है पापा जी। तेरी आवाज तो कुछ और ही कह रही है पुत्र, बात क्या है, अपने पापा जी को नहीं बताएगी? यहां सब होकर भी कुछ नहीं है पापा जी, ये शादी शादी जैसी लगती ही नहीं है। नरेंद्र तेरे साथ कोई गलत सलूक कर रहा है? ना पापा जी, वो तो बहुत ही भले इंसान है, किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होने देते। लेकिन पापा जी, पैसों से हर खुशी तो नहीं खरीदी जा सकती ना, जैसे कि जवानी। तेरा मतलब? मेरा मतलब है नरेंद्र, वो बूढ़े हैं पापा जी, जब पैसों के लिए रिश्तों में समझौता किया जाता है ना पापा जी, तो उदासी पैकेज डील में ही मिलती है। सारी गलती मेरी थी सर, पेरिस के लालच में मैं बेटी की खुशियां भूल गया था सर, और वो भी चुपचाप मान गई। उस बेचारी ने भी सोचा होगा कि जिंदगी अच्छी गुजरेगी, पर गलत था सर, बिल्कुल गलत था सर। चाह हमेशा सिर्फ पैसे की तो नहीं होती ना। आप कौन सी गलती सही कर रहे थे, वो भी कत्ल के जरिए? सर अर्जुन सतवंत को हमेशा से पसंद करता था, और सतवंत भी उसको पसंद करती थी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सतवंत और अर्जुन का अफेयर तो सतवंत और नरेंद्र की शादी से भी पहले चल रहा था, तो ये गलत नहीं होगा, हाँ या ना? हाँ सर, उन दोनों में पहले से ही प्यार था। नरेंद्र और सतवंत के पेरिस के एक जॉइंट अकाउंट से तेरे अकाउंट में 75 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। तुम दोनों एक जिंदगी को मिटाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। अर्जुन गिल, तू नरेंद्र की लाश पर अपना ताज खड़ा करना चाहता था? मुझे लगता था कि मैं सतवंत का गुनहगार हूं,
मैं अपनी बच्ची को उसके प्यार के साथ देखना चाहता था, उसको खुश देखना चाहता था। मकान तो हमारे नाम हो ही गया था और पेरिस की जायदाद भी सतवंत को ही मिलनी थी, तो अब नरेंद्र की हमें कोई खास जरूरत नहीं रह गई थी सर। एक प्रेम कहानी और एक लालच की दास्तां का संगम एक कत्ल की साजिश में हुआ। झूठे भाईचारे, फिक्र और अपनेपन का ढोंग बखूबी किया गया। मैंने मना किया ना, और वैसे भी ये कोई उम्र है इनकी तफरी करने की। हम एक काम करेंगे, अर्जुन को इनके साथ भेज देंगे। वो पुलिस वाला अर्जुन, मंजीते का दोस्त? आप बस कमांड कीजिए। अर्जुन को खास मकसद से बुलाया गया था, ताकि उसे नरेंद्र के साथ भेज कर नरेंद्र का भरोसा जीत लिया जाए और कभी किसी को कोई शक ना हो। शराब का नशा इस्तेमाल किया गया नरेंद्र को गहरी दोस्ती और खुश मिजाजी का एहसास दिलाने के लिए। चुप कर अर्जुन, सारे दौरे में ना तुम लोगों ने खूब पी है, पर तेरे में अकल है या नहीं? इनकी सेहत देख, इनकी उम्र देख, इस एज में अच्छा लगता है क्या ये सब करना? सतवंत ने एक फिक्र करने वाली पत्नी की भूमिका लगभग परफेक्ट तरीके से निभाई। सतवंत को पहले से अच्छी तरह पता था कि लखबीर और अर्जुन नरेंद्र को और पीने में मजबूर करेंगे। कोड़े बेच के सो गया। लगाम खींचने का वक्त आ गया। सुबह तो ही निकल जाऊंगा, बाकी जो करना है मैं कर लूंगी। पुत्र, मेरा जैसे ही फोन आए फौरन चले आना। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा, फिर हम मिलकर लाश को ठिकाने लगा देंगे, भूख देंगे। चाय बन गई निम्मो? जी दीदी। दीदी, नरेंद्र भाई साहब नहीं दिख रहे हैं? दूसरे कमरे में सो रहे हैं। कल रात ना इन्होंने फिर बहुत पी ली। इन मर्दों को लगता है कि हम जनानियां ना बेवकूफ हैं, कुछ समझती नहीं है। अच्छा दीदी, नरेंद्र भाई साहब को चाय दे आऊं? साजिश के हिसाब से सतवंत ने रोजमर्रा की जिंदगी वाली एक्टिंग की और निम्मो को भेजा नरेंद्र को जगाने, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि नरेंद्र की लाश पड़ी है कमरे में। उसने खुद नरेंद्र का कत्ल किया था, पर ये सब इसलिए किया गया ताकि निम्मो को शक ना हो और सारी दुनिया को भी लगे कि ये एक दुर्घटना है कि शादी वाले घर में शादी के एक दिन पहले किसी की कुदरती मौत हुई है। किसी का दिमाग कत्ल की तरफ जाएगा ही नहीं। अर्जुन ने चुपचाप और बहुत जल्द अंतिम संस्कार करवा दिया। साजिश में शामिल सबको ये लगा कि सारे शक, सारे सवाल इस आग में राख हो जाएंगे। नवजोत जी, आपकी भाभी सतवंत और उनके पिता लखबीर सिंह संधू और सतवंत के प्रेमी अर्जुन गिल, इन तीनों ने मिलकर आपके जेठ नरेंद्र वालिया को मारने की पहले साजिश रची और बाद में साजिश को अंजाम दिया। इसीलिए वो लोग इतना जोर दे रहे थे कि नरेंद्र भाई साहब को शादी में आना ही पड़ेगा। इन तीनों ने एकदम पक्का इरादा कर लिया था कि इस बार नरेंद्र वालिया जी को मार कर ही रहना है। पर मारने की क्या जरूरत थी? अगर सतवंत नरेंद्र भाई साहब के साथ खुश नहीं थी तो वो डिवोर्स भी तो ले सकती थी। नवजोत जी, डिवोर्स देने का मतलब होता ढेर सारी दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी से भी डिवोर्स लेना, और अगर वो नरेंद्र वालिया जी को ऐसे ही छोड़कर चली जाती तो मामला अदालत में रगड़ता। अब ऐसे हालात में सतवंत और क्या करती?
क्योंकि वो तो जल्द से जल्द अपने प्रेमी अर्जुन गिल के साथ एक होने की फिराक में थी। इसलिए एक ही झटके में सारी दौलत हासिल करने के चक्कर में उसने नरेंद्र वालिया जी का कत्ल कर दिया। पापा जी, मेरी शादी एक बहाना था, ये कत्ल के लिए। जब सतवंत दीदी शादी करके पेरिस चली गई, मैं बहुत छोटा था पापा जी, इसीलिए चाहता था कि नरेंद्र जीजा जी और दीदी मेरी शादी में शरीक हों। आप लोगों ने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया, ना चाहते हुए और ना जानते हुए मुझे अपनी इस गंदी साजिश का शिकार बनाया। अपने ही घर में मेरी नाक के नीचे आपने जीजा जी को मार दिया। वो जान गई है कि पत्ते खुल गए हैं। वो जानती है कि उसके पापा जी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों इस वक्त जेल में हैं। लेकिन मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा है कि सतवंत ने इतनी भयानक प्लानिंग की। और दूसरी तरफ देखो, वो नरेंद्र भाई साहब सतवंत को सराखों पर रखते थे, इतना प्यार करते थे, इतना भरोसा करते थे उस पर। मम्मा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पुत्र, तू क्यों पूछ रही है सर? वो आप और नवजोत आंटी फोन पर झगड़ रहे थे। वो कुछ नहीं पुत्र, सिर्फ आवाजें बड़ी थी, बात तो छोटी सी ही थी। तू फिक्र ना कर, जाके। सर, सतवंत वालिया फ्रांस की सिटीजन है, उसे अरेस्ट करने के लिए हमें पहले इंडियन हाई कमीशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जरूर करो बाबूजान, रिपोर्ट फाइल करो। हाई कमीशन को यह साफ साफ पता होना चाहिए कि एक मर्डर केस है। यस सर। हमें किसी भी सूरत में सतवंत वालिया को इंडिया लेके आना है ताकि उस पर मुकदमा चला सके। लेकिन सर, हमारे पास ना तो लाश है, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और ना ही कोई मर्डर वेपन। लेकिन आहूजा, हमारे पास उनके बैंक रिकॉर्ड्स हैं, फोन रिकॉर्ड्स। हमारा ये केस भले ही ओपन एंड शट ना लगता हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सतवंत वालिया अपने पति के गुनहगार है। कत्ल किया उसने। जी सर। लखबीर और अर्जुन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन पर धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस भी लगे हैं। ये तीनों चार्जेस सतवंत वालिया पर भी लगाए गए हैं जिसने नरेंद्र वालिया का कत्ल किया था। लखबीर और अर्जुन फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं और सतवंत वालिया को फ्रांस से इंडिया लाने के सभी डिप्लोमेटिक प्रयास जारी हैं। एक बार फिर परफेक्ट क्राइम का गुब्बारा फूट गया। एक बार फिर से साबित हुआ कि जुर्म करने के बाद भले ही जितनी दूर भागे, फिनिशिंग लाइन अदालत का कटघरा ही होता है। इन तीनों क्रिमिनल्स को लगा कि वो लोग जुर्म करके निकल जाएंगे, पर हकीकत यह है कि वो निकल नहीं पाए। कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं थी और ना ही इस कत्ल की हल्की से हल्की बू भी गांव में फैली थी, लेकिन फिर भी ये केस सॉल्व हुआ और मुजरिमों को सजा भी जरूर होकर रहेगी। इस केस में परिवार में से किसी को लगा कि ये मौत नेचुरल नहीं है। इस मौत के इर्द गिर्द जो हालात थे उन पर पर्दा तो डाल दिया गया था ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे, लेकिन वो पर्दा छोटा पड़ गया। अगर कोई ये सोचता है कि मर्डर जैसे संगीन जुर्म को नींव बनाकर वो अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा कर सकता है, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। एक जिंदगी का मर्डर किसी को नई जिंदगी कैसे दे सकता है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।